हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन कुमार और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि आज यानी कि 17 मार्च को सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के बारे में क्या सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो। दोस्तों समस्थानिक या आइसोटोप क्या होते हैं? एक तत्व या एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा रूप जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास वो अलग-अलग होता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछता कि समभारिक या आइसोबार्स क्या होते हैं, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि समभारिक या आइसोबार क्या होते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या अलग-अलग हो। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, किसी चालक के दोनों सिरों में विभवांतर या वोल्टेज 5 वोल्ट है और उसमें से 2 एम्पियर की विद्युत धारा गुजारी जाती है, मतलब कि करंट गुजारा जाता है 2 एम्पियर का, तो उस चालक की प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस क्या होगी? तो दोस्तों कल वाली वीडियो में मैंने ये फार्मूला बता रखा है आपको कि ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी वी बाय आर, जहाँ पे R का मतलब है प्रतिरोधकता, V का मतलब है वोल्टेज या विभवांतर, और I का मतलब है विद्युत धारा या करंट। तो इसे ओम्स लॉ बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम V और I की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, ये हमारे पास प्रतिरोधकता आ जाएगी चालक के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी के जो शासक थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खोज की थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। और इससे मिलती जुलती कुछ आप बातें देख लेते हैं, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो वो 30 साल होनी चाहिए। और ऐसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए ही, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए, इन तीनों के लिए ही 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। और आगे है सर्वोच्च न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं, उनकी एज के बारे में क्या है कि मिनिमम एज तो कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन मैक्सिमम एज है 65 वर्ष, और 65 वर्ष तक इन्हें अपने रिटायरमेंट देनी होती है, 65 साल तक, और इनका टाइम पीरियड होता है 6 वर्ष का। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ा वायु शोधक या एयर प्योरीफायर किस देश में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना में सबसे बड़ा वायु शोधक लगाया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, ऊंचा पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये परेशनाथ पहाड़ी है, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास कि बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गायिका हैं, भारतीय गायिका, गजल वगैरह गाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गायिका, सिंगिंग। और एट्थ क्वेश्चन है हमारा, गज यात्रा किस जानवर से संबंधित है? तो नाम से ही पता चल रहा है, गज, गज का मतलब होता है हाथी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी या एलिफेंट। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पर्यावरण मंत्री हैं जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने विश्व हाथी दिवस पर ये यात्रा शुरू की थी। तो विश्व हाथी दिवस कब होता है दोस्तों? वो होता है 12 अगस्त को। आगे नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 किसको मिला? तो इसका आंसर है रमेश कुंटल, और इन्होंने जो लिखा था, इनकी जो रचना थी वो थी विश्व मिथक सरित सागर, ऐसी कोई रचना थी जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 मिला है। आगे 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, और 2 बैठक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का
अंतर होना चाहिए 6 महीने से ज्यादा, इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है नेपाल की, वो है काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल भी है। 12वां क्वेश्चन हमारे पास कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और इसका जो साइंटिफिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, IUPAC नेम है जो सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी के साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो पूछ सकता है पेपर में कि वॉशिंग सोडा या हिंदी में कहें तो धावन सोडा या धोने का सोडा वो क्या होता है, तो वो होता है Na2CO3 और इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।